हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है एग्जाम स्टडी पे। तो हम लोग जो ये हमारी वीडियो लेक्चर की सीरीज चल रही थी, तो हम लोग लोअर पीसीएस के जो हमारे पेपर अभी कंडक्ट हुए थे उनके मैथ का पोर्शन अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें एक दो लेक्चर आ चुके हैं, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके या हमारे ग्रुप है उसमें आप मैसेज कर दीजिएगा, जितनी जल्दी से जल्दी होगा हम लोग रिप्लाई करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन कितना होगा। बेसिक सा फॉर्मूले का क्वेश्चन है। क्या बोला है उसने कि ये अगर मान लीजिए हमारा शंकु हुआ, ये दे रखी है स्लैंक हाइट, ये होती तिरछी वाली ऊंचाई, और जो हमारी रेडियस है वो 7 है, और हमें इसका आयतन फाइंड करना है। तो सबसे पहले आयतन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। आयतन का फार्मूला क्या होता है शंकु के लिए, 1/3 πr² h, ठीक है। तो फार्मूला वो याद हो गया हमें, देखिए 1/3 तो नंबर हो गया, पाई की वैल्यू फाइंड है, r उसने दे रखा है 7, h नहीं पता है, h हमें कैसे निकालना है। देखिए h भी बहुत ईजी सा है, ये पता होगा कि ये 90 होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो क्या होता है 25, अगर हम इसको h मान लें तो 25² = 7² + h² तो h की वैल्यू जब इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल सा इसको इधर लाना है, तो 25 7 32, और जो h इक्वल टू जो हमारा आएगा वो आएगा 24, ठीक है। एक तो ट्रिपलेट होता है, आप लोगों को याद भी होगा, कुछ लोगों को नहीं याद है, तो बस इसको सॉल्व करना है, इसको स्क्वायर करके इसको इस तरफ ला के और उसका अंडर रूट लेना है, ये हो गया। बस अब क्या इसमें रख देंगे 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 × 7, और एच की वैल्यू कितनी आ गई 24, जो हमने अभी अभी निकाली है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं किस में उसने पूछा है। हाँ, तो सीधा पाई की वैल्यू उसने रखवाई है, ये से ये कैंसिल आउट हुआ, ये से ये हुआ, अगर करेंगे तो आएगा 22 × ये मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हो गया एक क्वेश्चन। देखिए जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोग देख रहे होंगे उसमें नंबर पहले से ही पड़े हुए हैं, ये सीरियल वाइज जैसा पेपर आया था मैं वही करा रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन अगर किसी को टफ लग रहे हैं या किसी को इजी लग रहे हैं, जिसको इजी लग रहा है ये नहीं कह रहे इतने इजी क्वेश्चन कहाँ आते हैं, इसमें यही आते हैं। लोअर पीसीएस बोले या पीसीएस सीटेट होता है वो इतना ही आता है उसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखिए इससे इजी क्वेश्चन क्या मिलेगा। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, दिखा 31 36 12 544 1296 और 23 832। तो इसको सॉल्व कराने का नहीं बनता है क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन है, क्यों इतने आप लोग कर लीजिएगा, जितने भी लोगों कर लीजिएगा, ऑप्शन जो भी होगा कर लीजिएगा, अगर नहीं हो रहा तो बताइएगा मैं फिर करा दूंगा कभी पूरा एक ले आऊँगा कि आपको कैसे अंडर रूट निकाला जाता है, कैसे स्क्वायर किया जाता है, वो भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। देखिए लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है, 8 रुपये 8 पैसे को दर्शाने के लिए दशमलव अभिव्यक्ति क्या होगी, ठीक है। ऑप्शन पे जाइए सीधे, देखिए A B C D ऑप्शन क्या लिखे हुए, इसमें लिखा हुआ है 88.0, दूसरा लिखा हुआ है 8.008 8.08 और 8.8, ठीक है इतना लिखा हुआ है। तो 8 रुपये और 8 पैसे, ठीक है, पता होगा 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, मतलब दशमलव के दो बिंदु, तो ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ 88 रुपये, इसका मतलब हुआ कि 8 रुपये और ये कुछ तो पैसे से भी जो छोटा आया वो हुआ, जो हमारा ऑप्शन ये देखिए ये क्या लिखा हुआ, 8 रुपये और 8 पैसे, क्योंकि 8 पैसे मतलब क्या हुआ, अगर 80 पैसे होता तो ये होता, 8 रुपये 80 पैसे के लिए ऑप्शन होता, 8 रुपये 8 पैसे के लिए ये ऑप्शन होगा, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि पहली 35 सम संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में दहाई का अंक कौन सा होगा, ठीक है। इकाई दहाई आपको पता होगा कि लेफ्ट से अगर गिनना स्टार्ट करें राइट से तो पहला आएगा इकाई फिर दहाई, तो दूसरा अंक उसने पूछा। तो देखिए अगर हम मल्टीप्लाई की बात है सम संख्याएं हैं तो कितने होगा 2 4 6 6 35 में 70, तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन में अगर जाएंगे 2 6 5 0
अगर बहुत सारी संख्याओं का मल्टीप्लाई हो रहा है तो सबसे पहले जो नंबर चेक आता है इकाई और दहाई में वो हम लोग चेक करेंगे जीरो। और जीरो कैसे आएगा, कहीं भी दो मिल जाए और पांच का एक पेयर मिल जाए, एक जीरो आ गया। समझिए, दो और पांच का एक पेयर मिल जाए, एक जीरो आ गया। जितने पेयर मिल जाएंगे उतने जीरो आ जाएंगे। तो हमें इकाई और दहाई, पहला अंक और दूसरा अंक, तो एक में तो जीरो आ गया, तो हमें क्या, दो अगर पेयर मिल जाए पांच और दो के, दो दो पेयर अगर दो दो बार मिल जाए और पांच दो बार मिल जाए तो हम कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए आइए, एक तो दो मिल गया, एक हमें मिल गया, और एक हमें मिल गया पांच के अंदर भी दो होगा, सॉरी चार के अंदर भी दो होगा, दो तो दो मिल गया, पांच पांच तो सीधे फाइंड कर लेंगे, एक दस मिलेगा, दस में भी एक पांच होगा, एक बीस होगा, उसमें भी एक पांच होगा, तो बहुत सारे होंगे। तो सिंपल सा है कि आप जो थोड़ा सा भी अगर दिमाग आपने लगा लिया तो आपको पता हो जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। ऑप्शन जो डी है जीरो, ठीक है बता दिया, कोई बात नहीं, जीरो होगा वही इसका आंसर होगा। देखिए और एक इजी सा क्वेश्चन कि पूछा है कि इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, 49 की पावर 3/2, 7 की पावर 2, और 24 01 की पावर -1/4, और 1/343 की पावर -1/3। देखिए मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, इतना ईजी क्वेश्चन है, आप लोग खुद कर लीजिएगा। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, सीरियल लगे हुए हैं, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन आया है 2 की पावर x, ये थोड़ा सा अच्छा है, 2 की पावर x × 5 की पावर x के अंत में 5 होता है तो x का मान कितना होगा। समझिए 2 की पावर x और इंटू 5 की पावर x, सॉरी x है, लास्ट में इन्होंने कहा है कि 5 हमें लाना है। ठीक है, अगर एक चीज़ रखिए, दो दो पोर्शन में करते हैं, पाँच और दो को अलग अलग करते हैं। सबसे पहले आप पाँच की वैल्यू कुछ भी रखिए, एक रखिए, दो रखिए, तीन रखिए, चार रखिए, पाँच की वैल्यू रखेंगे एक तो भी आएगा पाँच, दो रखेंगे 25, तीन रखेंगे 125, मतलब लास्ट डिजिट जो आनी है वो पाँच आएगी, तो इसकी लास्ट डिजिट हमेशा पाँच आएगी। ठीक है, ये हो गया, ये फिक्स हो गया। अब हम जाते हैं दो पे, हमें लाना क्या है पाँच, तो पाँच इसकी लास्ट डिजिट हमें पता हो गई कि पाँच है, तो लास्ट में इसके लास्ट में अगर क्या हो, एक, एक ही यही चाह रहा है कि अगर इसके लास्ट में एक आ जाए किसी तरह और पाँच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी जो लास्ट डिजिट होगी वो पाँच हो जाएगी। पर दो की कोई भी ऐसी पावर होगी जिसमें लास्ट में एक आता हो, आप खुद कर लीजिए, 2 की पावर 1, 2, 2 करेंगे 4, 3 करेंगे 8, फिर करेंगे, ठीक है, तो लेकिन एक कभी नहीं आएगा, आप जब करेंगे तो एक कभी भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ। देखिए इस तरह उसने एक ऑप्शन भी दिया हो, पहला तो 1, 0, 2, एक्स का कोई मान नहीं होगा, तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा वो डी पार्ट होगा कि देयर इज नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स विच इज लाई इन दिस इक्वेशन। तो ठीक है, तो ऑप्शन जो डी होगा वो हमारा सही हो जाएगा कि एक्स की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो अगर रखेंगे तो हमारा जो यूनिट डिजिट होगा वो हमारा 5 हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि दो सह अभाज्य संख्याएं ए और बी का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। समझिए ए और बी का लघुत्तम समापवर्तक, दैट्स मीन एलसीएम पूछा है उसने, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, एस सी एफ उसने पूछा है। तो एक तो चीज देखिए उसने लिखा है कि को प्राइम फैक्टर है, को प्राइम फैक्टर मतलब ये होता है को प्राइम नंबर, वो नंबर होते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। अगर जैसे आप बोलें 3 और 4 कुछ कॉमन है, नहीं है, तो ये को प्राइम फैक्टर हुए, या नंबर हो सकते हैं, या 5 और 6 कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये भी को प्राइम नंबर ही हुआ। तो फिर पूछा उसने एस सी एफ पूछा है कि एल सी एम पूछा, सॉरी पूछते लघुत्तम समापवर्तक मतलब एल सी एम पूछा है उसने। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पूछ लेता कि को प्राइम नंबर हैं उनका एलसीएम कितना होगा तो वो हम निकालेंगे, और एससीएफ कितना होता है, एससीएफ होता है को प्राइम फैक्टर का 1, मतलब को प्राइम फैक्टर अगर को प्राइम नंबर या कुछ भी बोलें वही वह को प्राइम नंबर का एससीएफ जो होता है वो 1 होता है, एलसीएम होता है उन दोनों नंबर का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि कॉमन कुछ मिलना नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए जो वो आएगा वो हमारा हो जाएगा एलसीएम हमारा। तो देखिए ऑप्शन भी दिया a-b a+b a/b a into b, जो ऑप्शन डी बोलेंगे
वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ए इंटू बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, हो गए होंगे 7-8 क्वेश्चन जितने भी हो गए हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जितने हो गए होंगे अब इसके कुछ ही सवाल बचे होंगे 4-5 है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा अगर टाइम बचा तो। मैं जो अगला भी चारों दिन आए थे मैं सबका अलग अलग सेट आएंगे, मैं वो सारे करा दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब